नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली की सड़क कभी सूनी नहीं होती है, हर वक्त हलचल और शोर से घिरी रहती हैं दिल्ली की सड़कें। इस शोर को दिल्ली वाले भी सुनते हैं। आज भी सुनी दिल्ली वालों ने एक पुकार, मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। उन हाथों में चंद हाथ हमारी टीम के भी थे, इसी वजह से शिल्पी को अस्पताल भी पहुंचाया जा सका। लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, वही मिली नाउम्मीदी। पीसीआर वैन दर्द से तड़पती महिला के बगल से होकर गुजर गई। देखिए आप भी कैसी संवेदनहीन हो गई है हमारी दिल्ली पुलिस। इसी पर हमारी एक खास पेशकश, अंधी बहरी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के लक्ष्मीनगर के पास एक सड़क हादसे में एक महिला जख्मी हो जाती है। इस हादसे ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी को दागदार कर दिया है। हादसे के बाद पुलिस की पीसीआर वैन वहां से गुजरी जरूर, लेकिन पुलिस वालों ने रुकने की जहमत तक नहीं की। दिन रविवार, जगह लक्ष्मीनगर फ्लाईओवर का लूप, वक्त सुबह करीब 11:45 बजे। जी हाँ, रविवार की सुबह करीब 11:45 बजे टोटल न्यूज की टीम इसी जगह से गुजर रही थी, तभी हमारी नजर सड़क पर तड़पती एक महिला पर पड़ी। सिर से लगातार खून बह रहा था, महिला पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। कुछ लोगों की मदद से हमारी टीम ने जख्मी महिला को सड़क से उठाया और अस्पताल भेजने के लिए फौरन ही एक ऑटो में लिटा दिया। यहाँ मौजूद सभी लोगों के भीतर मानवता थी, उस ऑटो वाले के भीतर भी थी, जो फौरन ही घायल महिला को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि हमारी टीम का एक सदस्य भी उसके साथ जरूर जाएगा। जान बचाने के लिए हमें भी इस शर्त में कोई एतराज नहीं था। इसी बीच हमारी टीम के सदस्य 100 नंबर पर पुलिस को भी फोन कर एक्सीडेंट की जानकारी दे चुके थे। जैसे ही घायल महिला को लेकर ऑटो घटनास्थल से आगे बढ़ा, ठीक उसी वक्त दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन हमें आती हुई दिखाई दी, लेकिन वो भी नहीं रुकी। मैंने खुद 100 नंबर को फोन किया, मैंने कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, मैं मीडिया से हूँ, टोटल टीवी चैनल से, और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। अचानक देखते कहीं पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी को मैं हाथ देता हूँ, शीशे में हाथ मारता हूँ पुलिस की गाड़ी को, सर मैं एक्सीडेंट हुआ है, सर एक्सीडेंट हुआ है, मगर 100 नंबर की गाड़ी वाले ने नहीं देखा। ये सब होने के बाद हमने पता किया कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो पता चला कि एक ऑटो एक महिला को लेकर लक्ष्मीनगर से गांधीनगर की ओर से जा रहा था। जैसे ही ऑटो फ्लाईओवर के लूप पर पहुंचा, उसका अगला पहिया टूट गया और ऑटो पूरी तरह घूम गया। इसी दौरान महिला को पहले ऑटो के भीतर चोटें आईं, उसके बाद वो सड़क पर जा गिरी। महिला के पर्स में मिले पहचान पत्र से पता चला कि उसका नाम शिल्पी है, जो फरीदाबाद की रहने वाली है। हमारी टीम शिल्पी को लेकर चाचा नेहरू अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां से उसे LNJP अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। शिल्पी के परिजनों ने अब उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। शिल्पी सड़क पर बेहोश पड़ी थी, फ्लाईओवर पर गाड़ियों की भीड़ लगी थी, 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को कॉल भी की गई, लेकिन पुलिस नहीं आई। हादसे वाली जगह से पीसीआर वैन तक गुजरी, उसे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस वैन में बैठी दिल्ली पुलिस को ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। सब कुछ नजरअंदाज कर पीसीआर वैन वहां से बेपरवाह होकर गुजर गई, मानो वहां कुछ हुआ ही ना। सड़क पर शिल्पी के सिर से खून रिस रहा था। शिल्पी के घायल शरीर और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को कई जोड़ी निगाहों ने निहारा था।
लेकिन मदद के लिए किसी के दिल से आवाज नहीं आई। टोटल न्यूज की टीम भी उसी फ्लाईओवर से गुजर रही थी जिसने बेजान शिल्पी को सड़क पर देखा। मदद के लिए हमारी टीम वहां रुकी। जिस 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस इतराती है उसी 100 नंबर पर सड़क पर बेसुध पड़ी शिल्पी के बारे में बताया भी गया। वक्त बीतता रहा लेकिन खाकी वर्दी में सजे दिल्ली पुलिस के जवान कहीं नजर नहीं आए। हादसे ने फ्लाईओवर के सड़क की चौड़ाई कम कर दी थी। गाड़ियों की कतार के बीच दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन भी शोभनीय थी। हादसे वाली जगह के करीब पीसीआर वैन पहुंची भी लेकिन फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। जल्दी जल्दी ऑटो में लेके आ रहा है। ऑटो में जल्दी जल्दी। पुलिस से मदद की उम्मीद धुंधली हो चुकी थी क्योंकि पीसीआर वैन आ भी जाती तो क्या कर लेती। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हादसे वाली जगह से पीसीआर वैन भी गुजर रही थी जिसका नंबर था DL1CM8212 और पीसीआर नंबर था EZR34। टोटल न्यूज की टीम ने हाथ के इशारे से उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मदद की वो हाथ बस्ती की पुलिस देख नहीं रही थी। पीसीआर वैन का शीशा नीचे था इसलिए आवाज भी लगाई गई। बाहर की आवाज साफ तौर पर पीसीआर में मौजूद दिल्ली पुलिस के कोतवाल के कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन आपके साथ आपके लिए सदैव के नारे से सजी दिल्ली पुलिस अंधी भी है और बहरी भी, इसलिए मदद की पुकार को अनसुना और अनदेखा कर पीसीआर वैन आगे निकल गई। चंद सेकंड की यह तस्वीर बता रही है कि संवेदनाओं को गिरवी रख चुके दिल्ली पुलिस के बेगैरत सिपाही ना सुनते हैं ना देखते हैं ना सोचते हैं ना मदद करते हैं ना करना चाहते हैं क्योंकि अपने खोखले दावों के सामने वो केवल नाचना जानते हैं। एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने 16 नंबर को फोन करे। मेरे रिपोर्टर साहब मेहनत बिजी थे। 16 नंबर को मैंने देखा, 16 नंबर को हाथ दिया, 16 नंबर को मैंने सीजे में हाथ मारी, सर एक्सीडेंट हुआ है, सर महिला मर रही है, सर महिला मर रही है। मेरे पुलिस वाले ने नहीं देखा, पलटा के और चला गया पुलिस वाला। मैंने खुद 16 नंबर को फोन किया, मैंने कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, मैं मीडिया से हूँ, टोटल टीवी से, और ऐसे से एक्सीडेंट हो गया है। अचानक देखते ही पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की 16 नंबर की गाड़ी को मैं हाथ देता हूँ, शीशे में हाथ मारता हूँ पुलिस की गाड़ी को, सर मैं एक्सीडेंट हुआ है, सर एक्सीडेंट हुआ है, मगर 16 नंबर की गाड़ी वाले ने नहीं देखा। दिल्ली पुलिस की इस कायराना सोच पर क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी, दिल्ली पुलिस के इन खोखले दावों पर क्या कहेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सच है किसी के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि जवाब देने से पहले जुबान लड़खड़ा रही है दिल्ली पुलिस के हजारों जवानों की कप्तानी करने वाले मठाधीशों की। सभी मौन है पीसीआर में बैठे उस दिल्ली पुलिस के जवान की तरह जो ना तो देख सकता है ना ही सुन सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। आपके साथ आपके लिए सदैव मजाक लगता है, एक क्रूर मजाक। किस तरह देखा पुलिस की वैन कि वहां कोई हादसा हुआ है, दो तीन ऑटो रुके हुए हैं, लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अगर जरा गौर से दिखते तो फिर वो जख्मी महिला भी दिख जाती, सड़क पर पड़ा हुआ खून भी दिख जाता। लेकिन साहब जरूरत किसे है, पीसीआर वैन वहां से गुजर गई। बता रहे हैं हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल। इस वक्त तो उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई और जहां पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर ने एक बार फिर साबित किया कि दिल्ली पुलिस दावे भले ही करती हो लेकिन उसके दावे कितने खोखले होते हैं। ये आज एक बार फिर इसी जगह पर हुई। पूरा क्राइम सीन क्या था ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो इलाका है, सबसे पहले आप इलाके को पहचान लीजिए। सामने मेट्रो की लाइन है, ये वैशाली से यमुना बैंक की तरफ ये लाइन जा रही है और ये जो लूप है, ये जो सड़क का लूप है, ये ऊपर ITO विकास मार्ग से नीचे गांधीनगर की तरफ के लिए लूप बना हुआ है। हम लोग इधर से आ रहे थे लक्ष्मी नगर की तरफ से, मेरे कैमरामैन अगर इधर करके दिखाएं तो हम लोग इस तरफ से आ रहे थे और यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर वो लड़की शिल्पी यहाँ पर पड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं कि कितना खून बहा शिल्पी के सर से और वो अभी यहाँ पर पड़ी हुई थी उस वक्त। और जैसे ही हमने उसे देखा तो मैं गाड़ी में आगे से उतरा और मैं सीधे इधर आया शिल्पी को उठाने के लिए। और शिल्पी को उठाने के लिए जैसे ही आया तो मेरे कैमरामैन ने भी तत्काल कैमरा निकाल लिया और वो इस पूरे मामले को शूट करने लगे।
दरअसल हुआ यूं कि ये ऑटो इस तरफ से आ रहा था और इसका जो टायर है वो अचानक निकल गया, जिसके बाद ये ऑटो लग रहा है ऐसा कि इसने तकरीबन दो बार पलटी खाई, जिसके कारण शिल्पी बुरी तरह से घायल हो गई। और ये आप ऑटो की स्थिति देख सकते हैं कि ऑटो का जो चक्का था उसके कारण जो ड्राइवर था उसके भी काफ़ी चोट आई और वो भी घायल हो गया था इस पूरे जो घटना हुई इसके बाद। ये आप देख सकते हैं कि टायर की स्थिति, यहाँ पर पीछे वाला टायर ये है और ये वाला टायर केवल सुरक्षित है, लेकिन बाकी जो टायर हैं दोनों वो बुरी तरह से उनके चक्के निकल गए। और उसके बाद जैसे ही मैं शिल्पी को अब दो तीन लोगों की मदद से ऑटो में डालने लगा, तभी मेरा जो हमारे ड्राइवर हैं खेमपाल, वो यहाँ पर पीछे खड़े थे, वो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड लगाई हुई थी, पीछे खड़े थे, तभी उन्होंने देखा कि एक PCR आती है वहाँ से, DL1CM8212 नंबर की एक PCR आती है वहाँ से, और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। क्या हुआ था खेमपाल उस वक्त, बताओ आप। एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने 16 नंबर को फोन करे, मेरे रिपोर्टर साहब मेहनत बिजी थे, 16 नंबर को मैंने देखा, 16 नंबर को हाथ दिया, 16 नंबर को मैंने शीशे में हाथ मारे, सर एक्सीडेंट हुआ है, सर महिला मर रही है, सर महिला मर रही है, हमारे पुलिस वाले ने नहीं देखा, पलटा के और चला गया पुलिस वाला। मैंने खुद 16 नंबर को फोन किया, पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की 16 नंबर की गाड़ी को मैं हाथ देता हूँ, शीशे में हाथ मारता हूँ पुलिस की गाड़ी को, सर मैं एक्सीडेंट हुआ है, सर एक्सीडेंट हुआ है, मगर 16 नंबर की गाड़ी वाले ने नहीं देखा। बिल्कुल, तो देखिए ये स्थिति हुई, वो लड़की जो है बुरी तरह से घायल है, उसके सर में चोट लगी हुई है, और उसके बाद जो सर में चोट लगने के बाद अब चाचा नेहरू में जो हमने जब उसको फर्स्ट एड कराने के बाद LNGP के लिए रेफर किया, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि उसको जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि उसके जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके, और यहाँ पर से PCR का गुजरना और ऐसे में ना रुकना, ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि भले ही दिल्ली पुलिस कितनी संवेदनशीलता की बात करती हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के ये दावे कितने खोखले हैं। इस पूरे मामले में बहुत जो हमने कोशिश की कि दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा जाए और उस 100 नंबर को रुकाया जा सके, लेकिन उन्होंने रुकना तो दूर, एक मिनट के लिए हमारी बात तक सुनना जहमत नहीं उठाई। तो ये बता रहा है कि दिल्ली पुलिस की PCR जो है वो भले ही आपकी सेफ्टी के लिए या इंस्टेंट घटना होने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुँचने के लिए बनी हो, लेकिन ये घटना का सच क्या है ये आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली। दौड़ती भागती दिल्ली में इस हादसे के दौरान कुछ दिलवाले भी थे, वाकई दिलवाले कौन थे वो दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।